एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, मैं रीता वर्मा मैम हिंदी की शिक्षिका हूँ। पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग याद कर रहे हो कि नहीं। याद करना बेटा बहुत ज़रूरी है, और याद करने के साथ बुक भरने के साथ साथ कॉपी में भी लिखना बेटा ज़रूरी है। और एक और ज़रूरी बात है बेटा कि स्वच्छता पर ध्यान देना है, हाथ उध धोकर अच्छा से हाथ का सफाई करके और खूब अच्छा से हाथ पैर धोकर बुक खोलकर कॉपी पास में रखिए। पहले बुक भरिए, उसके बाद कॉपी भी देखिए, कॉपी में भी लिखना है। जिस चीज़ को आप लोग बुक में बना रहे हो बेटा, भर रहे हो, उस चीज़ को कॉपी में भी करना है, ताकि आपके राइटिंग वो हमेशा बना रहे सुंदर, और आप सुंदर सुंदर लिखने का अभ्यास आपका रहे। अब मैं आप लोग को जो आज पढ़ाने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखेंगे बेटा, एकदम ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ उसको। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पास में अगर आपके पेरेंट्स बैठे हैं तो उनसे ज़रूर मदद लीजिए और बोलिए कि बताइए कि क्या है, ठीक है? और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब यहाँ देखिए, सोचिए और कीजिए। रेलगाड़ी के उन डिब्बों में, देखिए बेटा यहाँ, रेलगाड़ी के उन डिब्बों में हरा रंग भरो जिनके शब्दों में हर्षव की मात्रा है, हर्षव की मात्रा लगी हो। अब ये क्या है आपका, रेलगाड़ी का डब्बा बना हुआ है पूरा, ठीक है बेटा? तो इसमें जो हर्षव की मात्रा से जो शब्द है, यहाँ लिखा हुआ है सीधे, रेलगाड़ी के उन डिब्बों में हरा रंग, सिर्फ हरा रंग भरना है बेटा और रंग नहीं, रेलगाड़ी के डिब्बों में हरा रंग भरो, सिर्फ हरा रंग ही भरना है जिनके शब्दों में हर्षकार हर्षव की मात्रा लगी है, लगी हो। तो यहाँ देखेंगे हम कि किसमें हर्षव की मात्रा लगी है, ठीक है बेटा? ध्यान से पहले हम पूरे रेल के डब्बा को देखेंगे कि कहाँ पर हर्षव की मात्रा लगी है, वहीं पर हमको हरा रंग भरना है बेटा। तो पहले हम रेल के डब्बा को जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक हम रंग उसमें कैसे भरेंगे बेटा? तो सबसे पहले हमको रेल के डब्बा को देखना है कि इसमें कौन सा रंग भरना है, कौन सा रंग नहीं भरना, सिर्फ हरा रंग भरना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जुगनू हर्षव की मात्रा है तो इसमें हरा रंग भर देना है। पटरी में नहीं है तो इसमें नहीं भरना है। आकाश में भी नहीं है हर्षव की मात्रा बेटा तो इसमें भी नहीं भरना है। चुनरी में भरना है हरा रंग। फिर यहाँ बुलबुल में है बेटा हर्षव की मात्रा। फिर आलसी में नहीं भरना है हरा रंग। चुटकुला में है हर्षव की मात्रा तो यहाँ रंग भर देना है, ठीक है बेटा? हरा रंग का ही, और रंग ऐसा भरना चाहिए, भरना है कि डब्बा के बाहर नहीं आए बेटा, डब्बा के अंदर ही भरना है, ठीक है? अब मौखिक है, निम्नलिखित शब्दों को बोलकर पढ़े, जो आपको हम क्लास में करवाते हैं, याद करके जो आप लोग सुनाते हैं उसको मौखिक बोलते हैं। ये आप लोगों के लिए अति आवश्यक है बेटा, अति आवश्यक है। जब तक आप मौखिक नहीं करेंगे आपको कुछ याद नहीं होगा, मौखिक करना आपके लिए अति आवश्यक है। मैं वहाँ नहीं हूँ लेकिन आपके पेरेंट्स तो हैं, उनको बेटा सुनाइए, एकदम याद कीजिए, जैसे कोई कविता याद किए, और तुरंत मम्मी पापा को सुनाइए। इससे आपको बहुत सारी फायदा होगा, और स्कूल खुलेगा तो मैं भी सुनूंगी कि आप क्या याद किए। अब यहाँ है मौखिक में, निम्नलिखित शब्दों को बोलकर पढ़े, सिर्फ बोलकर पढ़ना है बेटा, इसमें बोल कर पढ़ना है। तो बुलबुल लिखा हुआ है तो इसमें हर्षव की मात्रा है, बुलबुल। फिर यहाँ धनुष में हर्षव की मात्रा लगा हुआ है, ध न हर्षकार नु अस धनुष म ध में भी फिर हर्षव की मात्रा लगा हुआ है, म ध हर्षकार र मधुर। फिर यहाँ गुलाब जामुन है तो ग हर्षव गु लकर ला ब गुलाब, ज आकार म हर्षकार मु अन गुलाब जामुन। पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे। फिर म न हर्षकार नु आधा स, इसको आधा स है यह मनुष्य, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। गुड़िया ग हर्षकार गु रिकार री, बड़ी रा है यहाँ, बड़ी रा के नीचे बेटा हमेशा अनुस्वार होता है, गुड़िया। फिर यहाँ आ गए ठुमुक, ठुमुक ठ हर्षकार ठू म का ठुमुक, फिर ठ में हर्षकार की मात्रा है, ठुमुक है। फिर सुनहरी है,
स हर्सौ की मात्रा न ह र दीर्घई है, र दीर्घई है। सुनहरी, फिर स में हर्सुकार की मात्रा है, ससु र रम्याकार दिए ल ससुराल। तो के सब में हिचे लगा, एक एक शब्द को करना पढ़ना है, तब आपको बुक पढ़ने आएगा बेटा। जब तक आप इसको नहीं तोड़िएगा तब तक आपको बुक पढ़ने नहीं। यहाँ दीर्घऊ है, यहाँ न में दीर्घऊ की मात्रा है, फिर हर्सौ की मात्रा है, फिर र है निपुर, फिर यहाँ मरु स्थल, फिर यहाँ चुनरी, च हर्सुकार टू न र दीर्घरी चुनरी। फिर चुनमुन भेड़ हमें ऊन देती है, ऐसे तीन जानवरों के नाम सोचकर बताएं जो हमें दूध देते हैं। आपको ये सोच के बताना है, ठीक है। अब यहाँ आ गया दीर्घऊ की मात्रा, हर्सौ की मात्रा समाप्त हुआ और यहाँ दीर्घऊ की मात्रा बेटा दिया हुआ है। अब ध्यान से अपने बुक में देखेंगे, फिर देखेंगे फ में हलंत लगा हुआ है, ल दीर्घऊ की मात्रा है, फिर जोड़ है, फिर ल में हलंत है, फिर प्लस है, फिर अ है फूल है। ये फूल का चित्र आप देख रहे हैं बेटा, फूल को तो आप पहचान रहे हैं कि ये फूल है। अब देखिए दीर्घऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े और उच्चारण करें, इसको बार बार पढ़ना है और उच्चारण करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ झ दीर्घऊ, झू अल क्या हो गया झूल, फिर यहाँ प पूनम लिखा हुआ है, तो प में दीर्घऊ है, हर्सऊ नहीं है बेटा, दीर्घऊ है, प दीर्घऊ पू अन म पूनम। फिर यहाँ क कसूर लिखा हुआ है, तो फिर क स में दीर्घऊ कसु अर कसूर। फिर यहाँ अमरुद लिखा हुआ है, फिर यहाँ रम 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 दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है, अम अरुद। फिर यहाँ बेटा है कुल, क दीर्घऊ कु अल कुल। फिर यहाँ स दीर्घऊ सु अर त सूरत, फिर त रम्याकार, ज दीर्घऊ जू तराजू बेटा, फिर ख र ब दीर्घऊ गु ज खरबुज। अब यहाँ यहाँ झूल है, घ और ध में आपको अंतर पता चलता है बेटा, घ सटा हुआ रहता है और ध में यहाँ जगह रहता है। तो ये आप लोग घ पढ़ लेते हैं, नहीं बेटा नहीं, ये ध है, इसको ध पढ़ेंगे, ध दीर्घऊ धू अल धूल। फिर म य है, फिर यहाँ दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है और र मयूर। फिर ख ज में दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो पढ़ेंगे इसको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है बेटा, दो बार तीन बार चार बार पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ने आता है तो पेरेंट्स की सहायता जरूर ले, ठीक है। फिर हो गया मयूर खजूर हो गया, फिर यहाँ ज आकार, द दीर्घऊ दू ग र जादूगर। अब यहाँ देखिए कविता को बोल बोल कर पढ़े, कविता को आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, दो बार तीन बार चार बार पांच बार। जब तक आप इसको बार बार बोल कर एक एक शब्द को नहीं याद कीजिएगा तो कैसे याद होगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि अपने पेरेंट्स को रोज याद कीजिए और डेली सुनाइए, इसमें आपको रोज सुनाना है और याद करना है, इसमें कुछ नहीं। थोड़ा देर 10 मिनट लगेगा आपको, लेकिन बैठ के ध्यान से जितना देर पढ़िए बेटा, लेकिन ध्यान लगा कर पढ़िए और याद कीजिए। अब यहाँ देखिए झ में दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है कविता में, अब म आकार है तो इसको पढ़ेंगे झूमा। फिर क्या है ह आकार, थ दीर्घई, तो क्या पढ़ेंगे झूमा हाथी। यहाँ कौमा का चिन्ह है बेटा, तो कौमा जब भी आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो कौमा का चिन्ह अवश्य देंगे। फिर यहाँ है झूमा हाथी, फिर यहाँ घूमा हाथी, फिर घ में दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है, घूमा हाथी। यहाँ क्या है कौमा है, इसको क्या बोलेंगे कौमा। फिर है सूर, सूर में दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ, ऊपर क्या है चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु। फिर यहाँ है बड़ी र है, इसको क्या पढ़ेंगे बड़ी र। सूर उठाकर, ऊ ठ आकार ठ, ठ आकार क उठाकर बोला हाथी, हाथी में भी हर्सई की मात्रा लगा हुआ है। आओ बच्चों मिलजुल आओ, ऊपर बैठो तुम्हें, यहाँ देखिए जैसे तुम्हें नहीं पढ़ने आएगा आप लोग के, आप लोगों को तो यहाँ हर्सऊ की मात्रा है, आधा म ह एकले अनुस्वार जरूर देंगे, अनुस्वार नहीं छोड़ना है। कविता में भी लिखेंगे कॉपी में भी लिखेंगे बेटा तो अनुस्वार देना है। बुलाऊं, फिर यहाँ चंद्रबिंदु है, इसको क्या पढ़ेंगे चंद्रबिंदु। फिर यहाँ क्या देंगे पूर्ण विराम चिन्ह देंगे। फिर यहाँ है झूम झूम कर,
घूम घूम कर मस्त मस्त। फिर यहाँ आधा स्वर है, इसको पूरा स्वर नहीं बोलना है, म आधा स्वर तो मस्त, फिर यहाँ मस्त। यहाँ डैश जरूर दीजिएगा, यहाँ आपको डैश का चिन्ह दिया हुआ है, देना है। और चल तुम्हें घुमाऊ, फिर चंद्रबिंदु है, फिर यहाँ पूर्ण विराम देना है। कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे, जब भी आप बेटा कॉपी में लिखेंगे तो इसको जैसे बुक में दिया हुआ है सुंदर सुंदर राइटिंग में, जहाँ कॉमा दिया हुआ है वहाँ कॉमा दीजिएगा, जहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह है वहाँ पूर्ण विराम दीजिएगा, जहाँ चंद्रबिंदु दिया हुआ है वहाँ चंद्रबिंदु दीजिएगा। सब आपको देख कर ये कविता को लिखना है और बार बार बोल कर पढ़ना है और पेरेंट्स से सहायता लेना है इसको बोलना। अगर नहीं जहाँ पढ़ने आता है अपने माता पिता से सहायता जरूर ले। फिर है मस्त मस्त चल तुम्हें घुमाऊं, घूम घूम कर झूम झूम कर, सब में दीर्घ की मात्रा लगा हुआ है, झूम घूम घूम कर झूम झूम कर ले जाऊंगा नदी किनारे। फिर यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह दिया हुआ है, सुर भरूंगा पानी से मैं, छोड़ूंगा तुम पर फवारे। फिर पढ़िए एक बार इसको, फिर हम पढ़ा रहे हैं इसको, अगर आप देख रहे हैं तो आपको जरूर याद होगा। घूमा हाथी यहाँ कौमा दिया हुआ बेटा, सुर उठाकर बोला हाथी, आओ बच्चों मिलजुल मिलजुल जाओ में क्या लगा हुआ है, हर्षव नहीं, हर्षव की मात्रा लगा हुआ है, जा आओ कौमा है, ऊपर बैठे तुम्हें डुलाऊं, घूम घूम कर घूम घूम कर मस्त मस्त चल तुम्हें घुमाऊं, घूम घूम कर झूम झूम कर ले जाऊंगा, जाऊंगा मैं चंद्रबिंदु जरूर दीजिएगा ऊ के ऊपर, नदी किनारे सुर भरूंगा पानी से मैं, छोड़ूंगा तुम पर फवारे। अब यहाँ देखते हैं, ये तो हम पढ़ा चुके हैं इसको। थैंक यू, धन्यवाद। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग करके रखिएगा, ओके।